सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? से उम्मीद कर तो सारे ठीक होंगे। और आज की जो वीडियो गाइस, किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि स्टेटस लाओ कमिंग सून बर्थडे पे, तो वो 2-3 बारी कमेंट कर दिया था, तो इसलिए मैं आज उनके लिए स्टेटस लेके आया हूँ। और काफ़ी ऑसम होने वाला स्टेटस, तो आप भी ज़रूर देख के जाए प्रीव्यू। सो प्रीव्यू दिखाने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो प्रीव्यू वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? और मैं हर टॉप 3 कमेंट को टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करता हूँ। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से ज्वाइन कर ले और कमेंट करना ना भूले इस वीडियो के नीचे। तो आपको क्या करना, आपको जो भी मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ और उन सबका डाउन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ सबसे पहले। तो प्रीव्यू आपका जो है कुछ इस टाइप से वीडियो देखने को मिलेगा। सो कुछ इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना, आपको जो है इस वीडियो को एंड तक देखना। और आप बोलोगे ये जो तो सेम एडिटिंग है, हम डेट कैसे चेंज करेंगे? जैसे इसमें जो है डेट दिया हुआ था, तो आपको जो है अलग सा भी डेट हो सकता है, अलग ही होगा, तो आप डेट कैसे चेंज करो? सो सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखे बस, और कुछ नहीं करना। सो यहाँ से आप 2 ऐप से एडिटिंग करेंगे। पहले पिक्सेल ऐप से आपको जो है टेक्स्ट एडिट करना बताऊँगा, देन आपको जो है लाइट मोशन से सारे इफेक्ट वगैरह लगाना बताऊँगा। सो लाइट मोशन के 2 प्रोसेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, पहला जो है शेक इफेक्ट वाला होगा, दूसरा जो है बीट मार्क वाला होगा। सो दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है? और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। और सबसे पहले आपको जो अपने पिक्सेल ऐप को ओपन करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले डेट चेंज करना है, बताता हूँ। सो सबसे पहले पिक्सेल ऐप को ओपन करें। सो यहाँ से जब मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया, देन एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे ए, सो इस पर टैप करें, टेक्स्ट पे टैप करें प्लस वाला आइकन, देन इसको इसको सेंटर में लाए और एडिट पे पेंसिल वाला आइकन पे टैप करें, और यहाँ से आपका जो भी डेट है ना वो लिखे। तो यहाँ से मैं 28 लिख देता हूँ, 29 जो भी मेरा आपका वो लिख सकते हो। तो यहाँ से मैंने 28 पहले से लिख के रखा हुआ, तो यहाँ से मैं 29 लिख के बताता हूँ, ठीक है? सो 20 यहाँ से 29 कर लेता हूँ, और आपका जो भी मंथ था ना वो आगे लिखे, ठीक है? तो वहाँ पे आपको कोई सा भी लिख सकते हो। तो अगस्त था वहाँ पे, तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मैं अगस्त, ये अगस्त वाला महीना, सो मैं यहाँ से यही लिख के बताता हूँ, देन सिंपली टिक। और कुछ इस हिसाब से आपको जो है आगे आना, और आपको जो है फाउंट के ऑप्शन में जाना, ठीक है? फाउंट के ऑप्शन में गए, और यहाँ से माई फाउंट में जाके और गौतम ब्लैक जो ये है ना, ये वाला सेलेक्ट करना, और इस वाले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन सिंपली ओके। और कुछ इस हिसाब से आपको कुछ इस हिसाब से टैक्स को पहले बड़ा करना, और यहाँ से एडिट टैक्स में जाके ना ये जितने भी है ना ये सारे इसको कैपिटल लेटर में लिखना, ठीक है? तो यहाँ से मैंने कैपिटल लेटर में लिख लिया कुछ इस हिसाब से, देन ओके। और इतना कर लेने के बाद आपको इस टैक्स को इस टाइप से बड़ा करना, और अब आपको चेक करना इस पे कलर ग्रेडिंग, और बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से लिख लिया, देन आपको जो है इस टाइप से आपको बड़ा करना है टेक्स्ट, जितना बड़ा रखना रख सकते हो। देन कलर के ऑप्शन में आना, देन नीचे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन दिख रहा है ना, ग्रेडियंट तो उस पर टैप करना, देन प्लस का आइकन दिख रहा है ये जो कलर के राइट साइड में, सो इस वाले प्लस के आइकन पर टैप करना। और जैसे प्लस के आइकन पर टैप करो, कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएंगे, ठीक है? सो प्लस के आइकन पर टैप करके ऐसे ऑप्शन आने, देन इस वाले ऑप्शन पर टैप करना, ये जो ऑप्शन है गाइस इस पर टैप करें, देन इस कलर के ऑप्शन पर टैप करें, और ये जो सेंटर वाला है ना, जो 3 लाइन दिख रहे ना इसके सेंटर में ये वाला, तो इसको आपको जो है लास्ट में कुछ इतना रखना है, ठीक है? इतना रखे, और ऊपर 255 नंबर देख सकते हो, सो इतना रखे, देन ओके टैप पे टैप करें, देन आपको जो है इसके ये वाला एंड है ना इस पर टैप करना, देन आपको फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ से आपको जो है इसको जो है सेंटर से थोड़ा सा आगे रखें, आपको नंबर देख सकते हो ऊपर कुछ इतना, ठीक है? माइनस में 255 इतना रखें, देन ये सर्कल है ना गोल सा, सो इस टाइप से इसको स्लाइड करके नीचे लाना, देन आपको कुछ इस टाइप से इसको इतना सेट करना है कुछ इतना, और कुछ इतना सेट करें, और आपका जो टैक्स ठीक हो जाएगा। देन ओके पे टाइप से टैप करोगे तो यहाँ से आपको जो है कलर ग्रेडिंग में मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। देन आपको जो है इस पर आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जो है 4th नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है नीचे, जो ऑप्शन होगा उसके 4th नंबर वाले ऑप्शन में जाना, देन ट्रांसपेरेंट पे टैप करके इस वाले इमेज को सिलेक्ट करना, और आपका जो है डेट चेंज करना मैंने सिखा दिया। और जो भी आप लिखना चाहते हो, बी रेडिट की जगह, कमिंग सून की जगह, जो लिखना चाहते हो कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है? देन आपको जो है, और जिनको ये समझ नहीं आया उनके लिए मैं नीचे PLP फाइल रख देता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट का PLP फाइल।
सो फिर आपको जो अपने लाइट मोशन को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद प्लस के जो राइट साइड में जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, सो प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाए, और होप आपने दोनों प्रोजेक्ट पहले से इंपोर्ट कर लिया होगा। देन आपको जो पहला सा बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट कुछ ही शेप से दिखेगा, और यहाँ पे जो मार्कर मैंने दे दिया, और ये जो फुल स्क्रीन वाला एडिट है। देन आपको जो एरो दिख रहा है प्ले के राइट और लेफ्ट में, सो एक एरो पे आप टैप करोगे तो एक ही क्लिक में आप जो अगले मार्कर पे जा सकते हो, एक ही क्लिक में आप अगले मार्कर पे जा सकते हो विदाउट एनी टेंशन। तो आपको परफेक्ट ये एक ही क्लिक में जा सकते हो आगे पीछे, ठीक है। सो इसका यूज़ करें आगे पीछे जाने के लिए। देन आपको क्या करना, अब आपको PNG सारे सेट करने हैं। सो स्टार्टिंग में आना और PNG आपको जो बनाना बता ही दिया होगा, तो कुछ ही स्टेप्स आप बना सकते हो। सबसे पहले प्लस के ऑप्शन पर टाइप करके इमेज एंड वीडियो में यहाँ से स्लाइड करके मैं कमिंग सून वाला जो है PNG को लेता हूँ। सो यहाँ से मैंने लिया। देन सिंपली कुछ ही स्टेप से मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन में जाएंगे, और मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन में जाने के बाद आपको जो है राइट से सेकंड ऑप्शन, इसको जो है 90 डिग्री में रोटेट करना, -90 डिग्री में रोटेट करें कुछ ही स्टेप से, और उसके नीचे जो ऑप्शन है थर्ड वाला, सो उस स्टेप से आए, और देन इस स्टेप से इसको बड़ा कर सकते, ठीक है। कुछ ही जैसे बड़ा करें देन आपको इसको सेंटर में सेट करना। सो यहाँ से बैक आए, देन आपको मूव एंड ट्रांसफर जाना, कुछ ही स्टेप से सेंटर में सेट करना, और एरो पे टैप करना तो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। एरो पे एक ही एरो पे टैप करने से आगे मार्कर तक आ जाओगे। देन इस वाले ऑप्शन पे टैप करना, और ये वाला ऑप्शन पे टैप करोगे तो ये जो कट लग जाएगा। तो फिर से आपको प्लस के वाले ऑप्शन पे टैप करना है, इमेज एंड वीडियो, यहाँ से आपको जो है जैकिन जो भी PNG रखना चाहते हो सो रख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कुछ ये वाला ले लिया, और देन यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं। देन मूवमेंट ट्रांसफर के ऑप्शन में राइट से सेकंड ऑप्शन, इस टाइप से 90 डिग्री पे रोटेट, और थर्ड ऑप्शन पे जाके इस टाइप से टैक्स को बड़ा किया कुछ इतना, देन इसको थोड़ा सा नीचे किया, और यहाँ पे एरो पे टैप करना और अगले मार्कर तक जाने के लिए। देन आपको जो है लेयर पे टैप करना, और इस वाले ऑप्शन टैप करना कट लगाने के लिए राइट साइड से। देन फिर से प्लस वाले ऑप्शन टैप कर गए इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से BRD वाला PNG। देन कुछ ही स्टेप से आगे थोड़ा सा जाना, और मूवमेंट ट्रांसफर के ऑप्शन में राइट से थर्ड ऑप्शन, सेकंड वाले ऑप्शन पे जाकर 90 डिग्री रोटेट करें, और थर्ड वाले ऑप्शन पे जाकर कुछ ही स्टेप से बड़ा करें टेक्स्ट को, एंड देन बैक आए, और इस स्टेप से इसको छोटा करके यहाँ पे सेट करें। और होप आपको जो PNG जो है इंपोर्ट करना समझ आ गया होगा। देन आपको जो है इसको आगे तक लाना, सो आई के ऑप्शन पे टैप करना, और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर, ये आई का बटन है, और ये वाला ऑप्शन पे टैप करोगे जो परफेक्ट आगे तक ले आएगा अगले मार्क तक। देन फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, और यहाँ से भी इमेज वीडियो में जाके, और यहाँ से जो भी डेटा वो सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ ही से आगे स्लाइड करना, और यहाँ से मूवमेंट ट्रांसफर के ऑप्शन में राइट से सेकंड ऑप्शन, और यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट करते कुछ इतना, और थर्ड ऑप्शन पे जाके और इस टाइप से इसको जो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको बड़ा किया, देन बैक गए, और यहाँ से एरो पे टैप करें, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करें तो ये जो कट लग जाएगा, ये जो आगे तक आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक ले आया मैंने, और यहाँ पे हमारा जो PNG इंपोर्ट करना तो आगे आ ही गया होगा, और यहाँ से मैंने सारे PNG इंपोर्ट किए। देन आगे जितने सारे मार्क है ना, उन सब पे आपने इमेजेस लगाना। सो प्लस के ऑप्शन पे टैप करके नीचे ऑप्शन जो है प्लस के ऑप्शन में टैप करें, और जो भी आपका इमेज है इमेज एंड वीडियो में जाके इमेज सेलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप करके फिल स्क्रीन, देन एरो पे टैप करें, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करें एक्स्ट्रा पार्ट कट लगाने के लिए। और ऐसे करके आपको जितने सब रिव्यू आगे बीट मार्क है उन सबको आपने जो है इमेजेस लगाना। सो इमेज सेलेक्ट करें, थ्री डॉट पे टैप करके फिर से गिन, देन एरो पे टैप करें, इस वाले ऑप्शन पे टैप करें कट लगाने के लिए, देन प्लस के ऑप्शन पे इमेज एंड वीडियो, और यहाँ से इमेज वीडियो थ्री डॉट पे टैप करके फिल स्क्रीन, देन एरो पे टैप करें, और इस वाले ऑप्शन पे टैप करें तो ये जो कट लग जाएगा, देन फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से कुछ ही स्टेप से आपको जो है सारे इमेज को इंपोर्ट करना। तो होप आपको इमेज इंपोर्ट करना भी आ ही गया होगा। तो इमेज कैसे इंपोर्ट करना, आपको जो है प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करें, इमेज सेलेक्ट करना, और आपको जो है इमेज जैसे सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको जो है फिल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे टैप करके, देन एरो पे टैप करें, इस वाले ऑप्शन पे टैप करें, और इस स्टेप से आपको जो है सारे इमेज को इंपोर्ट कर लेना। सो यहाँ से जब मैंने सारे इमेज को इंपोर्ट कर लिया, और ये लास्ट था तो इसको भी इंपोर्ट कर लिया, और देख सकते हो कुछ चीज़ें आपको जब वीडियो देखने को मिलेगा, यहाँ से इमेजेस सारे इंपोर्ट कर लिया। और अब आपको इफेक्ट लगाना, सो इफेक्ट हम ये जो PNG है इन पे लगाएंगे पहले, सो PNG पे इफेक्ट लगाएंगे। सो इस प्रोजेक्ट से आपको बैक आना पड़ेगा, देन शेक इफेक्ट, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में जाना, और इस टाइप से इफेक्ट दिखेगा। सो पहला जो है टेक्स्ट है ना, इस पे टैप करना, और इफेक्ट के ऑप्शन में आ जाना, और थ्री डॉट पे टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, देन आपको बैक आना, बैक आना, देन आपको जो मेन प्रोजेक्ट में जाना, और यहाँ से जो PNG होगा उस पर टैप करें, जो PNG वाले लेयर, इस पर टैप करें इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके और पेस्ट इफेक्ट, देन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। और अगले वाले लेयर पे टैप करें इफेक्ट के ऑप्शन में, थ्री डॉट पे जाके पेस्ट करें, और देन इस टाइप से ये होगा। देन अगले वाले पे पेस्ट करें कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे देख सकते हो रे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, वाइट में है तो कलर चेंज करना भी बताऊंगा। सो यहाँ से आए और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस पे भी पेस्ट करें, और यहाँ से हमने जो है चारों पे पेस्ट कर लिया। और अब आपको क्या करना, आगे जो इमेज सब है उन सब पे इफेक्ट लगाना। सो उसके लिए आपको क्या करना, इस वाले प्रोजेक्ट से बैक आना, और बैक आने के बाद आपको मेन प्रोजेक्ट में जाना, इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में, देन ये इमेज इस पे टैप करें इफेक्ट के ऑप्शन में,
थ्री रोड पे जाके कॉपी फैक्ट्री देन बैक आए, और बैक आने के बाद आपको जो मेन प्रोडक्ट में जाना और जितने सारे भी यहाँ पे इमेज है ना आगे, सो इन सब पे आपने जो है इफेक्ट लगाना। सो लेयर पे टैप करें, इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री रोड पे जाके पेस्ट इफेक्ट, देन आगे वाले लेयर इमेज पे टैप करके लेयर इमेज पे टैप करके इफेक्ट के ऑप्शन में थ्री रोड पे जाके पेस्ट, देन कुछ इस टाइप से अगले वाले लेयर पे टैप करें, अगले वाले इमेज पे टैप करें, इफेक्ट के ऑप्शन में जाके पेस्ट, और कुछ इस टाइप से आपको जितने सारे भी इमेज उन सब पे ये वाला इफेक्ट लगाना एक ही, और आपका जो स्टेटस आधा बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो रेड दिख रहा था स्टार्टिंग वाले जो PNG उन पे कलर लगाना है, ठीक है, कलर इंपोर्ट करना है, देन आपको जो इफेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, आपका स्टेटस बन जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से किया और आपको कुछ इस टाइप से स्टार्टिंग में आ जाना, और यहाँ पे आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है देख सकते हो इनका कलर चेंज करेंगे। सो स्टार्टिंग में आए देन प्लस के ऑप्शन पर टैप करें, और यहाँ से जो है रेक्टेंगल ले, और इस टाइप से आपको इसको जो है फुल स्क्रीन करना, ठीक है, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर ले फुल स्क्रीन करें, और इस टाइप से जहाँ पे आपका इमेज आता वहाँ पे आए, देन ये जो रेक्टेंगल है ना आई का ऑप्शन, सो इस पर टैप करें, इस वाले ऑप्शन पर टैप करें, और ये यहाँ तक आ जाएगा। अब आपको जो है क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, फास्ट कलर, सो इफेक्ट के ऑप्शन में एड इफेक्ट में देन कलर एंड लाइट के ऑप्शन में ह्यू शिफ्ट के ऑप्शन में जाएं, और ह्यू शिफ्ट पे टैप करने बाद स्टैंडर्ड सेटिंग में देन स्टार्टिंग में की लगाएं, और इस टाइप से आपको जो है आगे ना स्लाइड करके और एक जो एंडिंग वाले की में आना, सो एंडिंग वाले मार्कर पे आए देन की लगाए, और इस टाइप से आपको जिसको बढ़ा लेना, जितना बढ़ाओगे उतनी उतनी तेजी से आपका जो है कलर चेंज होगा। सो यहाँ से मैंने कुछ इतना रख लिया इसको, और आपको जितना मन है रख ले सकते हो, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, देन इस पर टैप करें और ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट के ऑप्शन में, और यहाँ से आपको चले जाना है कॉन्स्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ पे आपको जो ना हाँ कॉन्स्ट्रैक्ट के ऑप्शन में जाना, कुछ इस टाइप से आए कॉन्स्ट्रैक्ट के ऑप्शन में, ओवरले के ऑप्शन पर टैप करने के बाद, सो इतना कर लेने के बाद आपको इस वाले ड्यूरेशन पे आना, देन प्लस के ऑप्शन पर टैप करें, इमेज एंड वीडियो में व्यू वॉल पे जाके एक PNG को ऐड करना, लाइट PNG को ऐड करना। सो इस समय आपको जो PNG को ऐड करके बताता हूँ, तो कुछ इस टाइप से ये वाला PNG होगा, देन प्लस पे टैप करें और ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट ऑप्शन में जाना, और यहाँ से लाइटिंग पे जाने जाना, और यहाँ से स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से, देन आगे आया थोड़ा सा आगे आया, देन जहाँ पे डार्क फोटो आपका, और आपको कुछ इस टाइप से इसको मूव एंड ट्रांसफर में जाकर राइट से थर्ड ऑप्शन, और इस टाइप से बड़ा करके, और इस टाइप से इसको जो है छोटा करके, मतलब कि इस टाइप से स्लाइड करके यहाँ पे सेट करना, ठीक है, इस टाइप से इतना पे सेट करें, और जितना आप बड़ा करना चाहते हो वहाँ पे कर ले, और ये जो लाइट देगा कुछ इस टाइप से देख सकते हो। देन आपको जो है कुछ इसी ड्यूरेशन पे सेम ड्यूरेशन पे इस वाले ड्यूरेशन पे आना, देन प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना, और व्यू वॉल पे जाके इमेज एंड वीडियो पे जाके व्यू वॉल पे टैप करके, और यहाँ से एक PNG को ऐड करना, हैप्पी बर्थडे वाला PNG को, कुछ इस टाइप से PNG होगा, देन आप कुछ इस टाइप से इसको नीचे को सेट करना, और बड़ा करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो कुछ इतना सेट किया, देन आपको क्या करना, आपको जो है इस दोनों लेयर को एंडिंग तक लाना, सो एंडिंग में और इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ तक आ जाएगा, और आपका जो स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो गए, तो यहाँ से ऑडियो म्यूट होगा, कुछ ही जगह आपको वीडियो देखने को मिलेगा। सो कुछ हिसाब से आपको वीडियो देखने को मिलेगा, देन आपको इसको एक्सपोर्ट करना, तो सेटिंग के राइट साइड में एक आइकन मिलेगा, सो उस पर टैप करके वीडियो पे टैप करके एक्सपोर्ट कर ले। सो गाइज यार कैसी रहा आज की वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सो ज्वाइन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।